भोपाल सांसद आलोक शर्मा कलेक्टर गाइडलाइन के अंतर्गत जमीनों के प्रस्तावित मूल्य वृद्धि के विरोध में उतर आए हैं। सांसद आलोक शर्मा ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर कलेक्टर गाइडलाइन पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद कलेक्टर गाइडलाइन को होल्ड कर दिया गया है। देखिए ये पूरी खबर। भोपाल के कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 200% तक बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर चला गया है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी की मीटिंग से पहले बुधवार सुबह भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद क्रेडाई सदस्यों की भी वित्त मंत्री से मुलाकात हुई। सांसद शर्मा ने वित्त मंत्री देवड़ा को जमीनों के बढ़े हुए भाव को लेकर लिखित शिकायत भी की। सांसद शर्मा ने कहा, चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद ही कलेक्टर गाइडलाइन पर अंतिम मोहर लगेगी। जन प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक के बाद ही भोपाल में जमीनों के बढ़े हुए दामों को लेकर फैसला होगा। भोपाल में हमेशा कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीनों के रेट बढ़ाए जाते हैं। वैसे पहले से ही बहुत जमीनों के रेट बढ़े हुए हैं। कई जनता, कई समाज के लोग मुझसे मिले हैं, क्रेडाई के पदाधिकारी भी मिले थे, उसमें बेहतासा वृद्धि की गई है। कलेक्टर गाइडलाइन में 5 से लेकर 200% तक शहर के 243 लोकेशनों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो आज मैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी से मैं मिला हूँ और उनसे कहा है कि भाई साहब, भोपाल की जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही रेट में वृद्धि होना चाहिए। आज भोपाल के किसी भी जनप्रतिनिधि से इस प्रस्ताव में चर्चा नहीं की गई है। इस प्रस्ताव को तत्काल रोका जाए, जनप्रतिनिधियों के साथ शीघ्र अतिशीघ्र बैठक बुलाई जाए, जिसमें मध्य प्रदेश शासन में जो भोपाल से मंत्री हैं, जो सम्मानी विधायक हैं, हमारे जो महापौर हैं, मैं स्वयं भोपाल के सांसद के नाते हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। भोपाल की जनता को जवाब हमें देना है। सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही भोपाल की जनता के हितों में हित का जो निर्णय होगा उसको करवाने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। मेरी बात को प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने स्वीकार किया है। उन्होंने तत्काल प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि जब तक भोपाल में जनप्रतिनिधियों के बैठक नहीं हो जाती, उनके सुझाव नहीं आते, तब तक प्रस्ताव को स्थगित रखा जाए। आज कोई निर्णय नहीं होगा, शीघ्र अतिशीघ्र माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी। उसमें भोपाल के सभी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए, उनका संरक्षण करते हुए सरकार इसमें निर्णय लेगी। बता दें कि भोपाल में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55% तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधायक भगवान दास सबनानी की आपत्ति के बाद 13 लोकेशन हटा दी गई है, यानी 240 लोकेशंस पर रेट बढ़ेंगे। इसी का विरोध हो रहा है। पिछले दशक में इंदौर के मुकाबले भोपाल में सर्किल रेट में कई गुना वृद्धि पहले ही हो चुकी है, जिससे संपत्ति बाजार अस्थिर हो गया है। संपत्तियों की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।